जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं कि मैंने अभी 8 तारीख को कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। और दोस्तों इसमें हम बताना चाहते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो आपको घबराने की या डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, इसलिए हम ये आपसे साझा करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक मैंने भी नहीं लिया था वैक्सीन, तब तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा चुभती हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग या चक्कर आते हो या अदर कोई ऐसा कुछ सिम्टम्स होता हो या बहुत ज़्यादा आपको हाई फीवर आता हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है कि वैक्सीन से हमको अब फीवर आ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, वैक्सीन लोग बहुत डरे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। बताना चाहेंगे कि जो अभी 8 जुलाई निकला है, इसी 8 जुलाई को मैंने कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लिया था। डिपेंड करता है, अगर आपने माइंड नॉर्मल रखा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि मैंने वैक्सीन लिया है, ना ये वैक्सीन चुभती है, ना आपको पता चलता है। जो नॉर्मल फीवर वगैरह में जब कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तब देखा होगा कि आपको पेन होता है, इस वैक्सीन में बिल्कुल पेन नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वैक्सीन कब आपके अंदर इंटर की और कब नीडल को बाहर निकाल दिया। इसके बाद आप ये काम कर सकते हैं कि आप कम से कम आधा घंटा वेट कीजिए, वहाँ पे अपना रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद तब आपको वैक्सीन सेंटर से बाहर निकलना चाहिए। आधा घंटा वेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इतने डरे हुए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद पैरासीटामोल या डोलो ये सब टैबलेट, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स का यूज करते हैं। बताना चाहते हैं कि जो पैरासीटामोल है या डोलो है, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब दवाइयाँ लेते हैं तो आपका जो एंटीबॉडी जो बॉडी में तैयार होगा उसमें आप कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। ये आप क्लियर समझिए कि आप जब आपके अंदर वो कोविशील्ड या अदर कोई भी कोवैक्सीन है या स्पुतनिक भी है, कोई भी वैक्सीन आप लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हल्का फुल्का आपको फीवर आ सकता है। और फीवर भी दोस्तों उन्हीं लोगों को आता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। ये कई लोगों से मैंने भी डिस्कस किया है और मैंने अपने आप से और काफ़ी लोगों से ये डिस्कस करने के बाद ये वीडियो हम साझा करना चाहते हैं। क्योंकि फीवर भी उन्हीं लोगों को वैक्सीन के बाद आती है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है बॉडी की, ना तो उनको कोरोना के समय में कभी फीवर आया होगा और मुझे लग रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल वो होंगे। कोई उन्हें फीवर या कोई भी हो सकता है कि हल्का सा जहां वैक्सीन लगता है वहां पे भारीपन फील हो रहा हो, इतना हो सकता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। इसके अलावा जितना ये अभी चल रहा था अफवाह कि बहुत ज़्यादा फीवर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, लोग इतना डरे हुए हैं कि इस वैक्सीन से काफ़ी लोग डेथ हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन से कोई डेथ अभी तक नहीं, ये ना कोई प्रमाण है। ये जो वैक्सीन लगाने के बाद वो कुछ माइंडली डिस्टर्ब हो गए होंगे कि मेरे वैक्सीन लग गई। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके माइंडली माइंड में ये हो जाता है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये सब उनको माइंडली, जब आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आप पहले माइंडली प्रिपेयर हो जाइए कि हम वैक्सीन लेने जा रहे हैं और वैक्सीन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि लोग बाग इतने डरे हुए हैं तो डर की वजह से वैक्सीन को भी नहीं ले रहे, क्योंकि वैक्सीन ये बहुत अच्छी है। कोई भी वैक्सीन आपको टाइम पर मिलती है तो आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन से एंटीबॉडी जब तैयार होगी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार होगी तो आपको आगे भविष्य में आगे चलकर जब दोनों डोज लग जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि इस पर तो वायरस का अटैक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये डर के भ्रम से बाहर निकलिए। जो डरे हुए लोग हैं उनके लिए खास वीडियो है कि आप वैक्सीनेशन कराइए, समय समय पर अपना ध्यान रखिए। अगर फीवर बहुत ज़्यादा आता है वैक्सीनेशन के बाद तब भी कोई मेडिसिन लेनी है, अन्यथा आपको हल्का फुल्का अगर दर्द है, बॉडी एक है या कुछ बॉडी पेन या जितनी भी अदर दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, इस टाइप की अगर मेडिसिन लेते हैं, इससे क्या कि आपकी जो एंटीबॉडी तैयार होगी
उसमें कहीं ना कहीं छत पहुंचती है। तो एंटीबॉडी तैयार तभी होगी जब आपकी बॉडी में हल्का सा फीलिंग आएगी कि कुछ भारीपन है या शरीर में दर्द हो रहा है या फिर हल्का फुल्का फीवर है, क्योंकि वो तभी तो एंटीबॉडी तैयार होगी। तो आप उसको निगेटिव मत समझिए। अगर आपको फीवर हल्का फुल्का लग भी रहा है तो इसकी मानी आपके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो रही, तो वो एंटीबॉडी तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर डोलो या पैरासीटामोल या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह वैक्सीन के बाद देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो पहली चीज़ तो इसमें अगर हल्का फुल्का आता है तो उसमें आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्मल फीवर है उस टाइम पे ले सकते हैं। अगर वैक्सीन के बाद आता है, बहुत हाई फीवर आता है, बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल पेशेंट है या कुछ पहले से, तब मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं, नहीं ऐसे अन्यथा कोई दवाई लेने की इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि जो डरे हुए हैं उनसे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस वैक्सीन से अभी तक ऐसा कुछ भी प्रमाणित कहीं नहीं है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से किसी की डेथ हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीनेशन समय पर कराइए, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन का भी अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, तो आप अपना पहले से ही मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करके रखिए। जैसे ही आप उसमें नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो कहीं भी अवेलेबल होगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि वहाँ पर स्लॉट खाली है। तो जहाँ पर स्लॉट आपको मिलता है अपना बुक कीजिए और बुक करने के बाद वैक्सीनेशन कराइए। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।